नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अच्छी आदतें हमारे जीवन में कितनी उपयोगी हैं। सुबह जल्दी उठिए, सुबह की हवा ताज़ा और प्रदूषण से मुक्त होती है। सुबह आपका दिमाग ताज़ा और तंदुरुस्त होता है। सुबह के समय जो भी हम पढ़ते हैं वह हमें जल्दी याद होता है। सुबह के समय पढ़ने की और याद करने की शक्ति बढ़ जाती है। अपने दांतों को ब्रश से अच्छी तरह से साफ करिए। खाने के छोटे कण दांतों में फंस जाते हैं, ऐसे कण अगर दांतों से निकाले नहीं गए तो दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। प्रतिदिन स्नान कीजिए। हमारे आसपास के वातावरण से हमारे शरीर पर धूल जमा हो जाती है। स्नान करने से गंदगी और धूल पूरी तरह से धुल जाती है और हमारी त्वचा ताज़ा और साफ होती है। स्नान के बाद हम आनंद और उत्साह महसूस करते हैं। ईश्वर से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना से हमें आत्मविश्वास मिलता है। सारे परिवार को साथ मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हमेशा स्वच्छ और सही प्रकार से कपड़े पहनिए। साफ कपड़े पहनने से आप सुंदर और स्वस्थ लगेंगे। अच्छा लगने के लिए महंगे कपड़े ज़रूरी नहीं है। अगर आप गंदे कपड़े पहनेंगे तो आपके पास कोई भी नहीं बैठेगा। अपने बालों को कंघी कीजिए। गंदे बालों में रूसी हो जाती है जिसके कारण बाल खराब हो जाते हैं। अपनी कंघी को अवश्य साफ कीजिए। हाथ मुंह धोकर आप नाश्ता अवश्य करें। अपने पेट को खाली या ज़रूरत से ज़्यादा नहीं भरें। दूध अवश्य पीना चाहिए और हमेशा संतुलित और सफाई से बना खाना खाना चाहिए। सबसे अभिवादन कीजिए और स्कूल जाइए। मुस्कुराते चेहरे का हर जगह स्वागत होता है। यूनिफॉर्म और बैग साफ सुथरे होने चाहिए। स्कूल जाते हुए माता पिता को अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाइए और घर आते हुए भी मुस्कुराते हुए आइए। अपने टीचर के प्रति आदर भाव रखिए। टीचर को नमस्कार करिए। अपने अध्यापक से आप पढ़ना लिखना सीखते हैं। बड़े होकर आप जो कुछ भी बनेंगे उसकी शुरुआत आपके टीचर से ही होती है। आप अनुशासन अपने अध्यापक से ही सीखते हैं। एक अच्छा विद्यार्थी अपने स्कूल और टीचर के प्रति आदर भाव रखता है। आपने क्लास में हमेशा अनुशासन बनाए रखना है। वक्त बहुत कीमती है। गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए जब टीचर आपको पढ़ा रही हो तब आप उनकी बातें ध्यान से सुनिए और समझिए। पूरी तरह से अपना लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए। अगर आप क्लास में अच्छे प्रकार से ध्यान देंगे तो आपको घर पर आकर पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। स्कूल से लौटने पर तुरंत अपने कपड़े बदलिए। हाथ मुंह धोने के बाद घर के कपड़े पहने। अपना मुंह धोकर ताज़ा हो जाइए। हमारे शरीर पर जो पसीना आता है पसीने से कीटाणु फैलते हैं, इसलिए घर पर आने के बाद हाथ मुंह धोकर शरीर को पोंछकर कपड़े बदलिए। खेलने से पहले जो भी आपके टीचर ने आपको काम दिया है उसको पूरा करिए। अपने काम को कभी भी कल पर मत छोड़िए। होमवर्क करने पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मांसपेशियां और दिमाग को ताज़ा रखने के लिए हमें खेलना भी बहुत ज़रूरी है जिससे हम तंदुरुस्त बनते हैं। अपने परिवार के साथ मनोरंजन कार्यक्रम का आनंद लीजिए। शारीरिक और मानसिक आराम के लिए मनोरंजन बहुत ज़रूरी है। विश्राम हमारे शरीर को और मन को ऊर्जा देता है और दिमाग को तेज बनाता है। परिवार के साथ मिलकर मनोरंजन करें। ऐसा करने से परिवार के साथ प्यार बढ़ता है। सोने से पहले ढीले कपड़े पहनकर सोएं और सोते समय भगवान की प्रार्थना अवश्य करें। शुभ रात्रि।